बीते कुछ दिनों पहले शहर में एक नाबालिग पर हुए दोहरे गैंग रेप का कई लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसी बीच बुधवार को चैतन्य चैरिटेबल संस्थान द्वारा संचालित महिला व बाल समुपदेशन केंद्र की ओर से महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने सवाल खड़ा किया कि क्या हमारे समाज में बेटियां सुरक्षित है। 29 जुलाई को शहर में नाबालिग के साथ हुई जाति ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। सरेआम नाबालिग के साथ गैंग रेप ने मानवता को तो शर्मसार किया ही है, साथ ही एक खास वर्ग को भी शर्मसार किया है। इस घटना के विरोध में शहर के तमाम संगठनों ने एक साथ आवाज बुलंद कर आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। इसी बीच बुधवार को चैतन्य चैरिटेबल संस्थान द्वारा संचालित महिला व बाल समुपदेशन केंद्र की ओर से महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। इस दौरान चैतन्य चैरिटेबल संस्थान की ट्रस्टी सुनीता ठाकरे ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध किया, साथ ही कहा कि कभी कभी लड़कियां रास्ते से जाने के लिए भी डरती है। कभी कभी लड़कियां रास्ते से जाने के लिए डरती है कि मेरे साथ कुछ हादसा ना हो जाए। लड़की मदद मांगेगी किसको? आज वो लड़की ने, किशोरी ने आज मदद मांगी ऑटो वाले को, तो ऑटो वाले ने उसको उठा के आज उसके साथ में इतना गलत व्यवहार किया। दूसरी बात, वहां से उसको मेडिकल चौक पे छोड़ने के बाद वो दोस्त को बताता है कि मैंने वहां छोड़ दिया, उसको उठा लो। आज वहां से वो लड़की को उठा के उसके साथ फिर से बलात्कार हुआ, तो ऐसी लड़कियां सुरक्षित कहां है? इस दौरान उन्होंने मांग की कि पीड़ित लड़की को जल्द से जल्द न्याय मिले और कानून में बलात्कार की सजा में सख्ती की जाए, ताकि बलात्कार जैसा दुष्कर्म कहने से पहले अपराधी को सजा याद आ जाए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।